मालगी प्रबोधिनी का जब से जन्म हुआ तब से मैं उससे संबंधित हूँ। और 82 में जन्म हुआ, और जिसका उल्लेख अभी अभी विनय जी ने किया था कि उसका 30वीं वर्षगांठ अभी मनाने जा रहे हैं अगले महीने। 30वीं इसलिए इन्होंने चुनी क्योंकि जब 25 साल पूरे हुए थे, जब वो मनाना चाहते थे रजत जयंती, उसी समय प्रमोद जी का स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ, इसी कारण तब नहीं कर पाए, और इसीलिए 30 साल का अभी तय किया। और लगातार जितने साल हुए हैं मालगी प्रबोधिनी को कार्य करते हुए, मालगी स्वयं बहुत ही एक दक्ष सक्रिय परिश्रमी सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे। मालगी का नाम इसीलिए उसमें उस समय रखा गया कि एक सांसद किस प्रकार का होना चाहिए, उसके वो एक अनुपम उदाहरण थे। अध्ययनशील, परिश्रमी, और किसी विषय को लेते थे तो अच्छी तरह से अध्ययन करके उसके ऊपर प्रभावी रूप से अपना विचार रखते थे। और विनय जी जो आज जो उसके डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं, मैंने अभी उनसे पूछा कि वो, क्योंकि मुझे स्मरण है कि लगभग जितना समय मुझे याद आता है कि वही प्रमुख रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 82 में जन्म हुआ तो मैं 85 में हुआ, 3 साल बाद से लेकर के तब से लेकर के आज तक वे ही इसकी सारी व्यवस्था देखते हैं। और मैं आज, मुझे कहा गया है कि मैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किस प्रकार हो रहा है, इस पर जो इन्होंने अध्ययन दल बना करके अध्ययन किया है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करूं, मैं उसको उसका विमोचन करूं। मैं विमोचन कर चुका हूं। सबसे सरल काम होता है विमोचन करना, और अंग्रेजी का शब्द जो है वो तो रिलीज होता है। और मैं कई बार कहा करता हूं कि 19 महीने इमरजेंसी के बेंगलोर जेल में भुगतने के बाद, वहाँ शब्द कोई सबसे अच्छा लगता था, प्रिय लगता था सब लोगों को, जो भी मेरे साथी थे, तो वो रिलीज़ लगता था। इसीलिए रिलीज़ करने के लिए कोई भी लेखक या कोई भी संस्था जो कोई प्रकाशन करती है, वो अगर आकर के मुझे कहती थी कि आप रिलीज़ करने को तैयार है, मैंने कहा ज़रूर तैयार हूँ, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। तो इस कारण मैं रिलीज़ करने आया हूँ। मैं मालगी प्रबोधिनी को जानता हूँ, विनय सहस्रबुद्धे को जानता हूँ, और मुझे अनुमान है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में आज, क्योंकि माइग्रेशन का कार्य सिंध में बसे हुए लोगों ने, जिन्होंने भी किया है, उनमें एक मैं भी हूँ। और मैं तो 47 में माइग्रेट किया मैंने, और मैंने जब माइग्रेट किया तब बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया बड़ी संख्या में, और तब दोनों तरफ से किया, ऐसा नहीं कि केवल मात्र जो हिस्सा पाकिस्तान बना विभाजन के बाद वहीं से लोगों ने माइग्रेट किया, दोनों तरफ से किया। मैं उसके बाद सिंध में, और जिस जहां मेरा जन्म स्थान है कराची, और जहां पर मेरा शुरू के लगभग 20 साल ही बीते, वहां पर 2 बार गया हूं कराची में, और दोनों बार जो स्थिति देखी वो कष्टकारक थी, दुख देती थी। लेकिन इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो इस अध्ययन दल की जानकारी है, उनका अध्ययन है, और वो अध्ययन वहाँ जाकर के कर पाए ऐसी स्थिति भी नहीं। उनका अध्ययन जो है वो
वहाँ से जो माइग्रेंट्स इन दिनों में आए हैं और ख़ास करके आकर के इंदौर जैसे शहर में बसे हैं या जोधपुर में हैं या कुछ पहले के भी होंगे जिनसे मिले होंगे, उनके अनुभवों को संकलित करके फिर जो जो डॉक्यूमेंटेशन इनके हाथ में लग सका, और ख़ास करके मुझे खुशी हुई कि कई सारे कोटेशंस जो हैं वो डॉन के हैं जो कि वहाँ का एक प्रमुख पत्र है, उसके कोटेशंस हैं वो बहुत बताने वाले हैं। विदेशी पत्रों के भी हैं, लॉस एंजलिस टाइम्स का भी एक आध है इसमें, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। और ये स्वयं डॉक्यूमेंट पढ़ने लायक है सारा। मैं तो इस डॉक्यूमेंट में से पढ़ सकता हूँ कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पढ़ना या उसमें से बताना, उसमें से कोट करना, ये आपके स्वयं की जो जिज्ञासा होगी इसके बारे में उसको कुछ कम करेगा। मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि मैं अभी जब लास्ट विजिट पे गया था 2004 की बात है, 2005 की बात है, तब मुझे याद है कि आज जो हमारे NSA हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो उस समय पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर थे, और शिवशंकर मेनन। तो शिवशंकर मेनन वहाँ पर हाई कमिश्नर थे और उनके यहाँ पर रिसेप्शन था मेरा, मुझे उन्होंने बुलाया था, और भोजन पर जो सेंटर टेबल बनाते हैं ना, उस सेंटर टेबल पर मेरे अतिरिक्त जनरल मुशर्रफ की सरकार के 3 मंत्री थे, बाकी सब पार्टियों के 2-2 मंत्री थे, और चर्चा का विषय संयोग से ऐसा बना कि कहने लगे अडवाणी जी आप एक बात बताएं कि आप 1927 में कराची में जन्मे, 47 तक आप कराची में रहे, और उसके बाद आप दिल्ली गए या राजस्थान गए, जहाँ पर भी था भारत का जो हिस्सा विभाजित हो गया वहाँ गए, और आज आप राजनीति में भाग लेते लेते और देश के उप प्रधानमंत्री बने, आपका कराची में जन्म होना, आपका सिंधी होना, और सिंधी भाषियों की कुल संख्या भारत में आज कितनी होगी, उन्होंने कहा, मैंने कहा को होगी शायद 70-80 लाख होगी, हो सकता है कोई कहे कि 90 करोड़ भी हो गई एक, लेकिन मैं समझता हूँ कि 80 लाख के करीब होगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में 80 लाख नगण्य है, क्या आपको यह बात कि आप कराची के जन्मे हुए हैं, सिंध के निवासी हैं, आपके अपने भाषा भाषी की संख्या वहाँ अधिक नहीं है, ये आपके राजनीतिक करियर में बाधा नहीं बनी? मैंने कहा कि मैं इसका उत्तर दूंगा ज़रूर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर विचार करें, इस विषय पर आपने जो सवाल मुझसे पूछा है वह वास्तव में विचारणीय आपके लिए है। मैंने कहा मैं तो कह सकता हूँ इसका एक शब्द में उत्तर कि मेरे लिए बाधा नहीं बनी। अब आप कहेंगे कारण, तो मैं उसका कारण जो बताऊँगा उस पर आपको विचार करना है। मैं कारण ये बताऊँगा कि हमारे यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से यहाँ आए, सिंध से, पंजाब से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से, बलूचिस्तान से, और उसी प्रकार से ईस्ट, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान से
और लोग इधर आए, उनमें से जिन जिन को राजनीति में भाग लेना था, कोई कांग्रेस में गया, कोई जनसंघ में गया, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में गया, कोई समाजवादी पार्टी में गया, और धीरे धीरे करके उनमें जाकर के आज जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है भारत का, उसके हिस्से हो गए। ये क्या कारण है कि इसके विपरीत जो लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब के इस हमारे भाग से जो लोग पाकिस्तान में आए, वो आज भी मुहाजिर कहलाते हैं। उनकी एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है MQM। उसके जो नेता हैं वो लंदन में रहते हैं। क्या कारण है इसका, ऐसा क्यों हुआ? इस पर विचार करेंगे तो शायद मेरे जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसका उत्तर मिलेगा। मेरी मान्यता है कि इंडियन इथॉस इज एसिमिलेटिव, वो हजम करता है, बाहर से आने वाला जो भी है उसको एब्सॉर्ब करता है। पाकिस्तान का इथॉस जो है वो एक्सक्लूसिविस्ट है, वो जज्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता इसका सोचो, विचारो, पॉन्डर ओवर इट। इट इज समथिंग फॉर यू टू पॉन्डर ओवर। मेरा तो जवाब यही है, लेकिन मैंने ये जो जवाब उनको दिया वो इस उद्देश्य से दिया कि मैं मानता हूं कि भारत जो है वो भारत का की एकता वो एक मूल सत्य है, इसीलिए एसिमिलेटिव है। लेकिन वो अगर नहीं होगी तो फिर जो पैरोकियल आइडेंटिटीज होंगी वो असर्ट करेंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण और दे करके बात खत्म करूंगा यहीं पर। एक बार यूरोप में एक स्थान है जो यूरोपियन यूनियन का एक प्रकार से केंद्र स्थान है, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर, और वहाँ पर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट भी कभी कभी लगती है। क्या नाम है? ब्रसेल्स। हाँ, ब्रसेल्स नहीं, ब्रसेल्स तो नहीं है, लेकिन है, उसके पास ही है, लेकिन एनीवे दे हैव अ सेमिनार, दे अपार्ट फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट, एवरी फोर ईयर्स दे हैव अ सेमिनार ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड। उस साल, एक साल बीच में एक सेमिनार था, साल्ज़बर्ग सेमिनार, साल्ज़बर्ग नहीं, थ्रेट्स बिफोर द इमर्जिंग डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ये थीम था, इस पर सेमिनार था। और उस समय हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे बुलाया, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे, हमारी जानकारी है कि इस बार पाकिस्तान का बड़ा डेलीगेशन वहाँ आने वाला है, और वो डेलीगेशन आएगा कश्मीर का इशू उठाने के लिए, और वो कश्मीर का इशू उठाना चाहता है, चाहे जो विषय है सेमिनार का उससे उसका कोई लेना देना नहीं। विषय तो मैंने, उन्होंने बताया कि विषय ये है कि द थ्रेट्स बिफोर द न्यू डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, और इसीलिए उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ आप जाएं, चाहे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है आप जाएं, और एक कोई कांग्रेस से भी हम तय करेंगे कौन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, दो ही लोग जाएं, बड़ा डेलीगेशन नहीं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि या तो ये उठे ही नहीं कश्मीर का इशू, और या तो उठे तो उसका योग्य जवाब मिले उसको। मैंने कहा ठीक है जाएंगे। हम गए वहाँ, जा कर के जो आयोजक थे उनसे बात की, हमने कहा देखिए इसका थीम अगर ये है द थ्रेट्स बिफोर इमर्जिंग डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, तो नो अदर सब्जेक्ट शुड बी परमिटेड, एंड बायलैटरल इशूज़ शुड सर्टनली नॉट बी परमिटेड।